हेलो दोस्तों, अगर आप इस प्रेयर को अपने लाइफ के अलग अलग एरिया में फोकस में अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑलरेडी मेरे चैनल में वीडियोस अपलोडेड है। लेकिन अगर आप इस प्रेयर को एक ही बार में अपने लाइफ के सारे एरियाज़ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। इसको हम एडवांस्ड होपोनोपोनो के नाम पर जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के प्रेयर। सबसे पहले आप रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि रिलैक्सेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी टेक्निक करने से पहले। तो सबसे पहले रिलैक्स हो जाइए, अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करते जाइए। अपने पांव, अपने पैर, आपके जांग, अपने लोअर बॉडी पार्ट, आपके स्टोमक, आपके चेस्ट, आपके कंधे, आपके हाथ, आपके हथेलियाँ, आपके उंगलियाँ सब रिलैक्स होते जा रहे हैं, सब रिलैक्स हैं। सांसों को फील करते हुए अपने हर एक अंग को रिलैक्स बोलते जाइए। आपके बोलने मात्र से ही आपके सारे अंग रिलैक्स हो जाते हैं। आप बोलते जाइए कि आपके सारे अंग रिलैक्स होते जा रहे हैं, आपके गर्दन रिलैक्स है, आपके चेहरे के सारे पार्ट्स रिलैक्स हैं, आपके आँखें बहुत रिलैक्स हैं, आपकी फोरहेड बहुत पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है, आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स है। 3 गहरी सांसें लीजिए और जब आप सांसों को ले रहे हैं अपने बॉडी में एक फ्रेशनेस को फील कीजिए, एक पॉजिटिव एनर्जी को फील कीजिए। और हर बार जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो अपने सारे तनाव को बाहर फेंक दीजिए। तो जब आप अंदर सांसें ले रहे हैं फ्रेश, जब आप सांसें बाहर छोड़ रहे हैं रिलैक्स फील कीजिए। फिर से आप फ्रेश, देन आप रिलैक्स फील कीजिए। फिर से अपने अंदर सांसें लेते हुए उस फ्रेशनेस को फील कीजिए, जरा सा मुस्कुराइए और अपने अंदर के सारे तनाव को बाहर फेंक दीजिए। अब आप पूरी तरह से, आपकी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है, आप पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। अब आप अपने आप को एक हेल्दी स्टेट में फील करना शुरू कीजिए। अपने कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम को आप इमेजिन करना शुरू कीजिए और इस बात को समझिए कि जो भी आपके हेल्थ में प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपकी हेल्थ की वजह से नहीं है, आपकी मन की वजह से है। आपके मन में किसी नेगेटिव विचार की वजह से वो रिफ्लेक्ट होके आपकी हेल्थ में दिख रही है। इसीलिए आपकी हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम है इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आपके नेगेटिव विचार हैं। इसीलिए सबसे पहले आप अपने हेल्थ को इमेजिन करते हुए, उस प्रॉब्लम को इमेजिन करते हुए बोलिए, मेरे शरीर को लेके जो भी नेगेटिव विचार मेरे मन में हैं और थे उन सब के लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। उसके बाद एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने आप को एक हेल्दी स्टेट में इमेजिन कीजिए और बोलिए, थैंक यू सो मच टू माय बॉडी, आई लव यू सो मच। फिर से बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। फिर से आपके मन में जो भी नेगेटिव विचार हैं अपनी हेल्थ कंडीशन को लेके, उन विचारों के लिए अपने आप को बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, देन अपने शरीर को थैंक यू एंड आई लव यू। इस फीलिंग्स के साथ आप आ जाइए आपके दूसरे एरिया ऑफ लाइफ में, जो कि आपके फाइनेंस के रिलेटेड है। आपके फाइनेंस को लेके भी अगर कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये है कि आपको मनी को लेके आपके अंदर नेगेटिव विचार है। तो इसलिए आप प्रेयर करना शुरू कीजिए कि पैसे को लेके जो भी नेगेटिव विचार मेरे मन में थे या हैं उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। माई डियर फ्रेंड मनी, आई एम सॉरी,
प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस वाले एरिया में आ जाइए। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी फील्ड में सक्सेस होना चाहते हैं और आपको मनचाहा रिज़ल्ट नहीं मिल रही है, उसकी भी वजह सिर्फ इतना है कि आप उस प्रोफेशन को लेके या फिर अपने खुद के सक्सेस को लेके आपके मन में नेगेटिव विचार हैं। तो इसलिए आप अपने आप को बोलिए कि मेरे सक्सेस के लिए मेरे मन में जो भी नेगेटिव विचार हैं उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, एंड यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए कि थैंक यू यूनिवर्स, आप मुझे सक्सेस बना रहे हैं, आई लव माई सक्सेस। इसी फीलिंग्स के साथ दोहराइए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। अभी आप आ जाइए अपने रिलेशनशिप के एरिया में। आपके किसी के साथ भी अगर आपका रिलेशन ख़राब है या फिर किसी के साथ ख़राब नहीं है लेकिन आप किसी के साथ रिलेशन अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है और उस रिलेशन को लेके आपके मन में नेगेटिव विचार हैं। इसीलिए उस रिलेशन को विजुअलाइज़ करते हुए, अपने आप को विजुअलाइज़ करते हुए आप बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। देखिए, अगर हम एज ए होल देखेंगे तो इन सब का जिस्ट यही है कि जो भी चीज़ें हम चाहते हैं और अगर वो हमारे पास नहीं है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे ही अंदर नेगेटिव विचार हैं। इसीलिए हाथ जोड़ के अपने आप को बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, एंड आई लव यू। तो दोस्तों, इस प्रेयर को आप दोहराते रहिए अपनी ज़िंदगी में, ज़रूर आपको अपनी मनचाही चीज़ जल्द से जल्द मिलेगी। इसी शुभकामना के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।